एक्सीडेंट कोई देख रहे विराट साहब अपने नाम नीचे आ रहे बता दिया हमें 150 जी नाम बताइए अपना। क्या मामला है? मामला है जी, हमारे परिवार से हमारा भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ ककरा ले, और उन्हें हम यहाँ अस्पताल में ले गए थे। 40-45 मिनट बाद डॉक्टर यहाँ पे नीचे आए हैं। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो डॉक्टर जो है 1 घंटा ऐसे लेट आते हैं और अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस को लेकर खुद शहर गए हैं, कभी कोई एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं थी। अच्छा जी, तो निजी अस्पताल में ले गए, सरकारी अस्पताल में? निजी अस्पताल में ले गए हैं जी उसे। अच्छा, हाँ जी, सरकारी अस्पताल यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली है, सरकारी से कुछ नहीं मिली। तो इलाज कौन कर रहा है यहाँ पे? इलाज यहाँ पे जो डॉक्टर कर रहे हैं, कंपाउंडर कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर तो है ही नहीं, यहाँ पे कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं जी। जी प्रधान जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये गांव के समझमान है, उनका एक्सीडेंट हो गया था सपर की पुलिया पे, और पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर आई। जब उन्हें यहाँ लेकर आई तो जो यहाँ वोट गए हैं खाली में तो थे, और डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। लगभग 40 या 45 मिनट मरीज रहा यहाँ, उसके बाद वे अपनी गाड़ी से लेकर तो मुजफ्फरनगर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए। क्यों ले गए यहाँ मरीज अपने वैसे ही? भाई जो डॉक्टर नहीं थे, फर्स्ट एड जो है यहाँ खाली थे, उन्होंने दे दी थी फर्स्ट एड, जो इंजेक्शन वगैरह थे दवाई वो दी उन्होंने, और फिर जब कोई दिखा नहीं तो यहाँ से सारा मरीज तड़पा था, तो मरीज तड़पता हुआ देख के उन्होंने मुजफ्फरनगर ले गए अपने प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के लिए, प्राइवेट बस से। अच्छा, ऐसा पहले यहाँ पहले भी हुआ रोज़ हो रहा कि डॉक्टर नहीं मिलते, ऐसा क्या मामला है यहाँ पे? डॉक्टर जब यहाँ रहते नहीं, अब यहाँ रहे तो आवाज़ भी लगा ले भाई, मान लो अपने घर भी हैं, खाना पीना भी सब चीज़ लगती रहे, अगर यहाँ मौके पर हो तो आवाज़ लगा ले 5 मिनट में आ जा, और दूर होंगे तो आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ ये दिक्कत आ रही बार बार। तो क्या चाहते हो इसमें? भाई डॉक्टर मिले यहाँ से, जो मरीज है उन्हें मरीज को फर्स्ट एड तो मिल जा, चलो मुझे ट्रीटमेंट अगर उनका जिले में होना हो, कहीं बाहर होना हो, तो लोग फर्स्ट एड मिल के वे यहाँ से हो जाए, ये तो होना ही चाहिए कम से कम इतना। तो मुझे कितना लेट हुआ है, मतलब मैं आधा घंटा पहले गया था वहाँ पे, जो भी हैं मेरे जो रिश्तेदार हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं। डॉक्टर साहब पूछने वाले कुछ है जो मरीज ऐसे भैया, मुझे तो 5 मिनट भी ऐसे लगे। आपको अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो भाई गलत या उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको या कुछ ऐसा हुआ है, हम नहीं आए यहाँ। अगर डॉक्टर साहब नहीं आया ट्रीटमेंट कौन देगा? हम देंगे ट्रीटमेंट, कैसे दे दोगे? करीबन कौन घंटा हो गया मरीज यहाँ पे चिल्ला रहा? फिलहाल आप अकेले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है? हाँ, मेरे अकेले डॉक्टर, और कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे? डॉक्टर में एक और होता है, और उसमें जो है खाना खाने का टाइम भी होता है 20-25। डे वर्क में कितने डॉक्टर है? 24 घंटे मतलब ऐसे है। डे वर्क में कितने डॉक्टर है? डे वर्क में भी यहाँ पे आज मैं ही था, क्योंकि आज डेट डॉक्टर छुट्टी है, जीएच होती है, जो कि एक डॉक्टर रहता है यहाँ पे, और एक इतना टाइम मेरे को भी चाहिए कि आधा घंटा मैं खाना खाऊं, इससे पहले मैं यहाँ पे सारे मेडिकल बना के गया था। यार मरीज कैसे मरेगा यार भाई, ऐसे कैसे हो सकता है मरीज मर जाएगा? ट्रीटमेंट मिल रहा है डॉक्टर उनको? प्रधान जी बता, प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 40-45 मिनट। अच्छा, डॉक्टर साहब थे यहाँ पे? मैं डॉक्टर साहब कहाँ बताए गए थे कि वहाँ गए? बकरी बताए थे, क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। आप बजे भी उनको बकरी गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, तो इतना क्या करोगे अगर अब तक मरीज कहाँ पहुँच जाते? बस मुजफ्फरनगर चले जाते हैं। तो ट्रीटमेंट किसने किया प्रधान जी? ट्रीटमेंट तो यहाँ जो है खालिद इन्होंने किया। खालिद क्या है यहाँ पे? वार्ड बॉय। क्या वार्ड बॉय ट्रीटमेंट कर सकता है? गलत है, डॉक्टर काम डॉक्टर नहीं, हम ट्रीटमेंट ले सकता है, प्राइवेट ट्रीटमेंट बीपी तो ले सकता है। इंजेक्शन लगाएगा वार्ड बॉय? इंजेक्शन लगाएगा तो डॉक्टर भी लगाएगा इंजेक्शन? तो
और कौन लगाएगा? नर्सिंग स्टाफ होते हैं इंजेक्शन लगाने के। कहाँ है नर्सिंग स्टाफ? यहाँ नर्सिंग स्टाफ भी यही है। कहाँ है? उसने क्यों नहीं लगाया इंजेक्शन? नर्सिंग स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ जो है अभी यहाँ पे अवेलेबल, मैं और सिर्फ जो उस पे है, मैं और यहाँ पे वार्ड बॉय हैं, और हम ही सब कुछ ट्रीटमेंट देखते हैं, हम ही सब कुछ डॉक्टर साहब एक बार आप उन्हें देख लो। हाँ।